हालेलुया। व्हाट डू मीन बाय हालेलुया? ये देश की जो सभ्यता है ना, गंगा जमुना सरस्वती, हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सुबह उठ के कहते हैं राधे राधे। क्या हम लोग इटली में पैदा हुए हैं क्या? वो कौन सा देश है जहाँ का प्रधानमंत्री उनके पैर छू रहा है? पापुआ न्यू गिनी। क्यों छू रहा है? वो भी अंधभक्त है साले, चिरकुट पागल हो क्या तुम लोग हैं? एक देश का प्रधानमंत्री अगर किसी बुजुर्ग को इज्जत दे रहा है तो ये राहुल गांधी की टीम का पप्पू का इसको क्या मालूम चरण स्पर्श का मतलब क्या होता है? अगर हमारे देश में नए संसद का उद्घाटन नरेंद्र मोदी नहीं करेगा तो क्या अफगानिस्तान में जाके करेगा क्या? राष्ट्रपति पद का अपमान हो रहा है अगर राष्ट्रपति से नहीं करवाया जा रहा। किसने कर? अरे वो कहां मना कर रहे? द्रौपदी मुर्मू खुद कह रही है कि आप करिए, हमें दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनकी बहन जैसी है द्रौपदी मुर्मू खड़ी होगी बराबर में। ये विपक्ष वाले 17 लोग, ये लोगों को 2024 के कीड़े मच रहे हैं और इन्हें दिक्कत ये है योगी से। हा? अभी तो योगी जी को रोका हुआ है मोदी जी ने कि छोटे भाई अभी शांत रहे। जिस दिन योगी संसद में जाके खड़ा हो गया और गमछा उठा के घुमा लिया। नमस्कार, मैं अयूष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया न्यूज। रविवार के दिन भारत के नए पार्लियामेंट का उद्घाटन होने वाला है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और क्योंकि नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि राजनीति होना इसमें लाजमी है। 17 विपक्षी दलों ने बहिष्कार की मांग की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर सकते, ये उद्घाटन राष्ट्रपति जी से करवाना चाहिए और उनसे यदि नहीं करवाया जा रहा तो राष्ट्रपति पद का ये अपमान है। दिल्ली के दीपक, राजनीतिक विश्लेषक, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर। जय श्री राम, जय हिंद पत्रकार महोदय। मैं दिल्ली का दीपक, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। और सभी देशवासियों को नए सांसद, नए सत्र की और नए संसद भवन की हार्दिक शुभकामनाएं। नए संसद भवन की आप शुभकामनाएं दे रहे हैं। 17 विपक्षी दलों ने बॉयकॉट कर दिया है, कह रहे हैं कि भैया हम तो नहीं, विपक्षी दल नहीं है, 17 चिरकुट है। 17 चिरकुट समझते हो? चिरकुट राष्ट्रीय पार्टियां भी है उसमें। चिवड़ा होता है, चिवड़ा जिसे खाया और हंडाया, ये 17 चिरकुट है। अरे मेरे भाई, इनको दिक्कत पता क्या है? इनको दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के उद्घाटन करने से संसद भवन के, मैं बताऊं दिक्कत क्या आएगी? क्या दिक्कत आएगी आप बताओ? मत ये क्या आएगी भाई, इधर आओ, तुम भी युवा हो देश के। भाई साहब, नए संसद के उद्घाटन करने में नरेंद्र मोदी के मालूम क्या दिक्कत आएगी कि नए संसद से हिंदू राष्ट्र की नई नींव रखी जाएगी। राष्ट्र की नींव रखी जाएगी, बिल्कुल रखी जाएगी। वहाँ सत्य के निशान होंगे, वहाँ गणेश जी के निशान होंगे, वहाँ शंकर पार्वती के नारे लगेंगे। और पहले बोलते थे हालेलुया, क्या हालेलुया? व्हाट डू मीन बाय हालेलुया? ये देश की जो सभ्यता है ना, गंगा जमुना सरस्वती, हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार के लोग सुबह उठ के कहते हैं राधे राधे। क्या हम लोग इटली में पैदा हुए हैं क्या? और ये लोग क्या कहते हैं सुबह उठ के? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और जब वहां पर से अंतिम यात्रा निकलती है किसी की तो क्यों बोलते हो फिर राम का नाम सत्य है? सत्य बोलो तो गत्थे है, तब भी बोला करो ना गुड बाय, RIP। क्या बोलते हैं? RIP बोलते हैं ना आजकल, इंग्लिश में नया शब्द चला है। नए संसद का जो नया सत्र चलेगा उसके जयकारे जय श्री राम के नारों से लगेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में अगर राम के नारे नहीं लगेंगे तो क्या अफगानिस्तान में लगेंगे? और उनका ये कहना है कि जो उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी से किया जाए। उद्घाटन नहीं है, उसकी नींव रखी जा रही है। नींव का मतलब पता क्या है? जब उस बिल्डिंग की स्थापना हो गई है। ये तो दुर्भाग्य है कि योगी जी के हाथ से ये काम होना चाहिए था। अगर योगी जी के हाथ से काम होता ना तो ये जो 17 चिरकुट कह रहे हैं ना विपक्ष वाले कि हम नहीं आएंगे, ये छूटते बोलते कि योगी बाबा हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी सीधे आदमी है। 2024 के इलेक्शन के बाद पत्रकार महोदय, अगर 26 या 27 में योगी नहीं आया तो देश का बेड़ा गर्क भी हो सकता है, बेड़ा गर्क हो जाएगा। अरे ये PFI जैसे जो चिरकुट पकड़े गए हैं, ये क्या कह रहे थे? साला ये गजवा हिंद बनाएंगे, तुम दो गज जगह लेके दिखा दो योगी के राज में, इनकी औकात है, ये गजवा हिंद बना के दिखाएंगे। ये जो नया संसद है ना, इस नए संसद को इसलिए बनाया जा रहा है कि वहां पर अंग्रेजों की हुंकार बसती है। कहां? पुराने संसद में, पुराने संसद में। अब जो संसद बनेगा ना, वहां चारों तरफ जय श्री राम, हिंदू संस्कृति, सत्या, ओम गणेशाय नमः, इमारतों में जान होगी। और पहले जो इमारतें थी वो हालेलुया वाली थी। हमारा देश हालेलुया वाला नहीं है,
विषय ये नहीं है, विषय ये है वो कह रहे हैं कि क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो प्रथम नागरिक है भारत की, तो उनसे करवाया जाए। राष्ट्रपति के हाथ बिल्कुल लगवाओ, हमारे देश में भी बेटियों का सम्मान होता है, हमारे देश की पहचान है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर द्रौपदी मुर्मू जी साथ खड़े हों या वो भी रिबन काटे तो हमें खुशी है, मगर अगर वो नरेंद्र मोदी जी को कह रही है, नरेंद्र मोदी जी वही व्यक्ति है जिसने शेर का मुंह खोल दिया है, ये वही व्यक्ति है। और ये थोड़े दिन और रुको,